हेलो नमस्कार, जय जगन्नाथ, वेलकम बैक टू आर ब्लॉग अगेन। सो आज हम लोग का एक फैमिली ट्रिप है। पीछे देख रहे हो हमारा गाड़ी खड़ा है, तो बारिश हो रहा है। हम लोग अभी भुवनेश्वर से निकल चुके हैं, सुबह का 6 बज रहा है। तो अभी हम हैं यहाँ पे चंडीखोल के आसपास, मतलब चटिया के पास। कहाँ जा रहे हैं वो कस्टम से आई थिंक आप लोग को पता चल गया होगा वो थंबनेल देख के, पर स्टिल करके हम जा रहे हैं। पास में ही है, 167 किलोमीटर है भुवनेश्वर से। तो लेट्स सी क्या होता है। तो हम लोग जा रहे हैं अंदर गाड़ी में, बाबा मामा बैठे हुए हैं, वो अभी चाय दे रहा है, चाय ऑर्डर से वो चाय दे रहा है। मैं भी थोड़ा चाय पी लेता हूँ फिर निकल गया। बारिश हो रहा है तो चाय बनता है सुबह सुबह, बहुत सुबह 6 बज रहे हैं। हम लोग 40-30 किलोमीटर आ चुके हैं। चाय अच्छा है, आगे जाएंगे। तो जैसे आप सबको पता होगा कि थंबनेल से हम लोग केंदुझा डिस्ट्रिक्ट जा रहे हैं महातारिणी टेम्पल। सो महातारिणी टेम्पल जाने के रास्ते में 3 टोल प्लाजा आता है। ये जो टोल प्लाजा है, पहला टोल प्लाजा है जो कि मंगोली टोल प्लाजा बोल सकते हो, मंगोली के पास, मंगोली छक क्रॉस करने के बाद ही आता है। एंड ये टोल प्लाजा का कॉस्ट है 135 वन साइड। भुवनेश्वर से घटगा तारिणी का डिस्टेंस है 160 किलोमीटर। अगर आप सुबह ट्रैवल करते हो तो अराउंड 2 to 3 आवर्स लगता है, जो कि हम लोग अभी ट्रैवल कर चुके हैं अराउंड 40 किलोमीटर्स, और 120 किलोमीटर हम लोग को जाना है। अगर आप आ रहे हो बालेश्वर साइड इधर, तो आप यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर सकते हो, बहुत ही अच्छा ब्रेकफास्ट है। सो अभी हम पहुँच चुके हैं छतिया नहीं चंडीखोल के पास, यहाँ से और 100 किलोमीटर जाना है हमको। नो सस्पेंस, हम लोग जा रहे हैं महातारिणी टेम्पल घटना। सो अभी चलो चलते हैं, ब्रेकफास्ट हो गया हम दोनों का, बाकी लोग नहीं खाएंगे क्योंकि पूजा है, सपा मेरा हो गया, तो अब निकलते हैं। चलो एक छोटा सा ब्रेक था, बाथरूम ब्रेक, तो अब निकलते हैं हमारे आगे। 7 बजे ना, कितना 8 बजे 7:11 हो गया, तो और भी 100 किलोमीटर जाना है हमको। बेड लगा दे, रास्ते में ट्रैवल करते टाइम बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखने के लिए मिला हम लोग को, जिसको मैंने थोड़ा सिनेमैटिक वे में ट्राई किया हूँ कैप्चर करने के लिए, और जिसको इसमें डाला हूँ। तो आप लोग एंड तक देखिए, बहुत ही खूबसूरत व्यूज़ मिलेगा आपको। चलो पानी कोयली पहुंच गए, वैसे तो ओडिया लोगों में बाहर है। बा 79 किलोमीटर कटा गया तारिणी देखला, इधर इधर गड़ा गो पहले चलो ना सीधा वाले ऊपर। माँ घटगा तारिणी जाने के लिए NH-16 में आने के बाद पानी कोयली से आपको लेफ्ट टर्न लेना पड़ेगा, जिसमें से अराउंड 79 किलोमीटर और ट्रैवल करना पड़ेगा बहुत ही खूबसूरत नज़ारे के साथ साथ, फिर जाके हम लोग पहुँचेंगे महातारिणी टेम्पल। रास्ते के दोनों तरफ आपको कनास ग्रास देखने के लिए मिलेगा, जिसको हम लोग लोकल लैंग्वेज में कांसतंडी फ्लावर्स बोलते हैं, और ये आपका जर्नी को और भी खूबसूरत कर देता है। माँ तारिणी टेम्पल का एक किंवदंती है, व माइथोलॉजी बोल सकते हो, तो उस स्टोरी के हिसाब से केंदुझर डिस्ट्रिक्ट का जो किंग थे, किंग गोविंद भंजो, वो माँ को पूरी डिस्ट्रिक्ट से लेके अपना पैलेस केंदुझर में
लेके जा रहे थे, बट रास्ते में ही बीच में माँ को ये जो जगह सालबन बहुत ही अच्छा लगा, तो इसलिए माँ यहीं पे ही ठहर गए। बहुत ही खूबसूरत है ये जगह। पहले कोई भी केंदुझर जाता था तो माँ तारिणी टेम्पल होके ही जाता था, बट अभी डेवलपमेंट होने के साथ साथ बाईपास भी बन चुका है, तो रास्ते से मेन रोड से थोड़ा सा अंदर जाना पड़ेगा माँ तारिणी टेम्पल दर्शन करने के लिए, क्योंकि पहले बहुत ही भीड़ होता था, तो वो भीड़ को अवॉइड करने के लिए ये एक नया बना है। फिर आप अगर माँ तारिणी टेम्पल आते हो तो रास्ते में टेम्पल हम पहुँच चुके हैं, आप देख सकते हो बहुत सारे लोग हम लोग को रोक रहे हैं, क्योंकि उनके दुकान के सामने हम लोग को गाड़ी पार्क करेंगे और उसके चलते वो लोग उनका जो भी व्यापार है वो भी होगा, बट हम लोग नहीं रखे, आगे चल गए, अपने हिसाब से गाड़ी रखेंगे। चलो फाइनली हम लोग पहुंच गए वहाँ पे, देखो तारिणी का टेंपल, माता तारिणी का टेंपल वो एंट्री पॉइंट है, यहाँ पे ऐसे बहुत सारे दुकान हैं, तो ऐसे ही दुकान के सामने ही रहता है गाड़ी पार्किंग होता है ऐसे ही, यहाँ पे आपको जैसे हम यहाँ पे गाड़ी पार्किंग किए यहाँ से ही आपको लेना पड़ेगा, तो ऐसे ही हम लोग लिए, हमारा रेडी हो रहा है। यहाँ पे मेन दिक्कत क्या है पता है आप लोगों को, जहाँ पे गाड़ी रखना होता है वहीं से ही आप लोग को भोग लेना पड़ेगा, और मतलब एक एक छोटा छोटा चीज़ का 4-5 गुना रेट चलता है, और छोटा सा जो कपड़ा होता है माँ को लगने के लिए जिसका प्राइस 10 रुपये होता है उसको 60 रुपये करके लेता है, यही दिक्कत है। इधर मंदिर के अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, मेरे पीछे आप देख सकते हो पूरा मंदिर है, यहाँ पे आप आके कुछ भी मानसिक कामना जो करते हैं ना वो पूरा हो जाता है, हवा चलता है, मतलब वेदर भी बहुत खूबसूरत है, ठीक है। तो अभी वो छोटा गया है हमारा अंदर चूल, मतलब ये इसको निकालने के लिए, फिर अभी वो ये हो जाएगा, फिर आएंगे देखते हैं। चलो मंदिर जा के आते हैं फिर आप लोग को। फ़ोन वगैरह अलाउड नहीं, तो जहाँ भी अपना को रखा हुआ इटी आ माँ का फोटो तो सब अवेलेबल आ मंदिर में मेन होती नोड़िया नोड़िया आ मानसिक जो करेंगे लिखा है पूरा कैमेरा नहीं सर नोड़िया उन्नी भी सही तक मड़े पड़े आप भोगथल ये हाँ। अभी फिर बाद में 10 मिनट के बाद फिर से देखना थोड़ा देख लो। A few moments later, हम लोग टेम्पल के अंदर दर्शन करते टाइम बहुत ज़ोर से बारिश हुआ, बट माँ की कृपा से हम मंदिर के अंदर थे तो ज़्यादा भीगे नहीं। फिर अभी हम लोग का दर्शन हो चुका है एंड बारिश भी थोड़ा कम हो गया है, तो हम लोग इसलिए बाहर निकले अभी एंड बारिश हो रहा है, सो और भी ब्लॉक नहीं हो पाएगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माँ तारिणी टेम्पल। अंदर में प्रसाद सेवन करने के लिए भी है, आप जाके वहाँ पे प्रसाद कर सकते हैं, हम लोग भी कर लिए प्रसाद सेवन। तो अब बारिश हो रहा है तो ज़्यादा तो ब्लॉक नहीं हो पा रहा है, तो निकलेंगे, दर्शन हो गया बस अच्छे से। चलो माँ के मंदिर से दर्शन करने के बाद हम लोग निकले हमारे अगले पड़ाव की ओर,
बिकॉज टाइम ज़्यादा हुआ नहीं था, 11 बजा था, सो इसलिए हम लोग सोचे तो थोड़ा थोड़ा हम महाविनायक टेम्पल और छतियाबट भी घूम लिए। तीनों टोल गेट को मिला के आप लोग को 700 रुपीस देना पड़ेगा, जो कि तीनों टोल में जाना आना दोनों हो जाता है। महाविनायक छतियाबट टेम्पल रास्ते में ही पड़ता है हमारा रिटर्न का, सो ज़्यादा परेशानी होगा नहीं। सो गाइस फाइनली हम लोग केंदुझर डिस्ट्रिक्ट क्रॉस करके आ चुके हैं इधर जसपुर डिस्ट्रिक्ट में, पानी कोयली के पास है। अराउंड 60 to 70 किलोमीटर क्रॉस कर चुके हैं। अभी यहाँ पे थोड़ा मौसम के वजह से मौसम थोड़ा सुहाना है, मतलब बारिश कर रहा था, थोड़ा बारिश रुका हुआ है, इसलिए सोचे थोड़ा चाय पियेंगे। तो इसलिए देख सकते हो यहाँ पे मतलब चाय और कॉफ़ी ऑर्डर है। हमने चाय पीना मम्मी अकेली मामा अकेली पिएगी कॉफ़ी, बाकी सब चाय, वो सब बिस्किट विस्किट खा रहे हैं, हम भी खाएंगे। फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे महाविनायक टेम्पल। अगर आपको महाविनायक टेम्पल के बारे में देखना है तो आप वो लिंक दे रहा हूँ ऊपर आ रहा होगा, या फिर नहीं तो डिस्क्रिप्शन ब्लॉग में होगा, आप जाके देख लो। फिर भी हम लोग आज भी दिखाएंगे और एक बार महाविनायक टेम्पल, एंड उसके साथ साथ छतियाबट जाएंगे जगन्नाथ। छतियाबट के अंदर कैमरा अलाउड नहीं होगा, महाविनायक के अंदर भी कैमरा अलाउड नहीं है, लेकिन बाहर से मंदिर दिखाएंगे, बट अच्छा होगा देखते हैं। तो स्टे ट्यून, अगर आप लोग को ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। ये तो मैं हर बार बोलता हूँ बट आप लोग करते नहीं हो, खाली बस ब्लॉग देख के चले जाते हो, इसीलिए बहुत सारे व्यूज़ है लेकिन लाइक सब्सक्राइबर बहुत कम है। तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो अगर आप नए हो चैनल पे, एंड पुराने हो मतलब हमारे साथ जुड़े हुए, तो प्लीज़ लाइक कर दो और कमेंट डालो, अच्छे से कमेंट डालो, जो भी मतलब कुछ अच्छा है वो भी डालो, अगर कुछ सजेशंस देना है वो भी डालो, कुछ इम्प्रूवमेंट करना है वो भी डालो, सब कुछ डाल सकते हो। ऐसे ही हम ब्लॉग करते रहेंगे और आप लोगों के साथ जुड़े रहेंगे। चलो अब चाय पियेंगे। छोटा सा चाय ब्रेक लेने के बाद हम लोग निकल पड़े हमारे अगले पड़ाव के, और टाइम ज़्यादा नहीं हुआ था, 2 बज रहा था, सो हम लोग अभी मतलब चंडी खोली पहुँचने वाले थे, फिर हम जाएंगे महाविनायक टेम्पल। अगर आप लोग कटक भुवनेश्वर में रहते हो तो ज़रूर एक बार महाविनायक टेम्पल और छतियाबट आना, ये जगह बहुत ही खूबसूरत है एंड आप लोग को अच्छा लगेगा, यहाँ पर पिकनिक भी किया जाता है। गेट है, साइड में एक हनुमान जी का मंदिर भी है, मंदिर बंद है बट हम लोग चलेंगे आगे, बहुत ही खूबसूरत है नजारा। चलो मेरे को छोड़ के बोलो, निकल गए, जाने दो उन लोग को, जाने दो। ये सुंदर नज़ारे को देख के मन किया कि एक छोटा छोटा सा सिनेमैटिक वीडियो किया जाए या फिर छोटा सा ड्रोन शॉट दिया जाए, सो आप लोग एंजॉय करो इसको। अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलो अगर आप नए हो चैनल पे, एंड दोस्तों को भी बोलो कि शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आप ये जगह जाओ और घूमो, यही हमारा काम है, नया नया जगह बोलना और लोगों के पास पहुंचाना। सो स्टे ट्यून टू आवर चैनल, स्टे ट्यून टू आवर ब्लॉग, एंड तक देखो बस।
लोग अंदर आ चुके हैं मंदिर के अंदर, दर्शन भी हो चुका है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे आपको मंदिर जी दिख जाएंगे वहाँ बिना एक मतलब। यहाँ पे भगवान जी, भगवान गणेश जी का एक टेम्पल है और गणेश जी का जो पांच मुख है वो मतलब सूर्य देव, विष्णुदेव एंड शिव, शिव जी एंड पार्वती जी का मिलन होके हुआ है यहाँ पे, तो इसलिए इनको पंचशक्ति माना जाता है एंड पंचशक्ति माना जाता है एंड इसीलिए इनको महाविनायक भी बोला जाता है। आगे गेट पे आप देख सकते हो पांचों लोगों का है और यहाँ पे डर डर के मैं वीडियो कर रहा हूँ क्योंकि खींच ना ले ये लोग, तो आगे दिखाऊँगा। तो इसको ये है महाविनायक जी का टेम्पल, तो बहुत ही खूबसूरत है मंदिर, पहाड़ के ऊपर है, ऊपर भी एक दुर्गा माँ की मंदिर है बट जा नहीं पाएंगे बारिश के टाइम में। आप यहाँ पे उड़ीसा आ रहे तो यहाँ पे आ सकते हो। पांच शक्ति का मिलन होके गणेश जी का जन्म हुआ है यहाँ पे, वो है शिव जी, पार्वती जी, पार्वती माँ एंड गणेश जी, शिव, शिव जी, पार्वती जी, विष्णु जी एंड हमारा सूर्यदेव, तो इसीलिए इनको पंच शक्ति बोलते हैं और महाविनायक बोलते हैं। गणेश जी का बेसिकली गणेश जी का ही टेम्पल है, अंदर वो जो मूर्ति है उसमें पांच मुख दिखा देख पाएंगे आप लोग, बहुत ही खूबसूरत है मंदिर। बाहर चलते हैं, हो गया हमारा। रिटर्न आते टाइम आप नवग्रह टेम्पल भी दर्शन कर लीजिएगा सो दैट ये आपको फल मिलेगा अच्छा। हमारा मूसक महाराज है, आप देख सकते हो सामने में खड़े हैं मूसक महाराज। बोला था ये मंदिर का मेन गेट है, आप देख सकते हो दोनों तरफ विष्णु जी और सूर्यदेव जी का मूर्ति है और बीच में शिव जी, पार्वती जी और बीच में हमारा गणेश भगवान, जय गन्नू बाबा। तो यही है मंदिर, बहुत ही खूबसूरत है, गेट बहुत ही सुंदर है, बहुत पुराना गेट है लेकिन हर साल शायद कलर होता है, बहुत ही सुंदर है। यहाँ पे डर लग रहा है यार ब्लॉग करने के लिए क्योंकि चारों तरफ देख रहे हो ना, ये खींच लेंगे नहीं तो खाना। ये फोटो खींचने के लिए बोलिए। एंड फाइनली थोड़ा टाइम इन लोगों के साथ बिताए सो दैट ये भी हमारे ज़िंदगी का एक सफ़र है और हमारे ज़िंदगी में ये लोग महत्व रखते हैं, तो यस। अब ख़त्म हुआ हमारा यहाँ से, अब हम जाएंगे छतिया भट्टा। चलो छतिया भट्ट टेम्पल महाविनायक टेम्पल से ज़्यादा दूर नहीं है, सो हम आधा घंटा का सफ़र करने के बाद पहुंच चुके हैं अभी छतिया भट्ट में। अभी एंट्री करने वाले हैं छतिया का गांव के अंदर। छतिया के गांव एंट्री करते ही आपको मंदिर दिख जाएगा, जैसे पूरी टेम्पल दिखता है दूर से वैसे ही। यहां पे भी जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा पूजा पूजते हैं लोग यहां पे भी, बट यहां पे थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में है, पहले जगन्नाथ फिर बलभद्र देन सुभद्रा यहां पे पूजते हैं। चलो आ गया छतिया भट्ट, हम लोग जाएंगे, इसको नहीं लेंगे। मंदिर दिख रहा है, जैसे मैंने बोला था मंदिर के अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, छतिया भट्ट में हम लोग घूम के आ गए। हम लोग बाहर से देख लो, रास्ते वैसे दिखाया था बाहर से, इस बार भी वही बाहर से दिखाना पड़ेगा। मंदिर के अंदर बहुत कुछ है, लगाओ यहाँ पे देखो और किसी को पूछ लेना सारा चीज़ वो बता देंगे कैसे कल्कि अवतार होगा और इसका क्या महत्व रहेगा। तो ये हमारा छतिया भट्ट का टेम्पल, थोड़ा मतलब क्या है बोल सकते हो, इतना हेरिटेज टेम्पल है बट यहाँ पे कुछ करते नहीं है, मतलब देखते नहीं है, कलर वलर नहीं होता है, तो बहुत ही अच्छा मंदिर है। और खाने के बाद ये सामने एक दुकान है, सबसे बेस्ट है आपका चिना ककेरा, चिना ककेरा है जो सबसे बेस्ट है यहाँ का, आप यहाँ पर खा सकते हो चिना ककेरा। हम लोग खा लिए, अभी पैकिंग हो रहा है, फिर उसके बाद हम लोग निकलेंगे घूमने से एंड हमारा जर्नी खत्म। टाइम हो रहा है 4। ये छतिया का मार्केट है। सो फाइनली हमारा जर्नी यहाँ पे ख़त्म होता है एंड अभी तक अगर आप हमारा ब्लॉग देख रहे हो तो थैंक यू सो मच
फॉर वॉचिंग द ब्लॉग। मिलते हैं कोई एक अगले जगह पे, अगले ब्लॉग पे और नई डेस्टिनेशन पे। चलो बाय बाय।